जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किसी आग की जरूरत नहीं होती, बस एक चिंगारी ही काफी है। और ये चिंगारी यूरोपियंस के दिलों में लग चुकी थी जब उन्होंने कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी का स्वाद चखा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की और किस तरीके से इस रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप पे नेशनलिज्म की आग लगा दी। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। यदि दो पार्ट पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए, वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं इसके तीसरे पार्ट की मेरे यानी अनु के साथ। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों देख लेते हैं एक नज़र की पिछले बार यानी कल हमने सेशन कहाँ पे ओवर किया था। तो लेट्स सी। तो दोस्तों कल हमने बात की थी रिवॉल्यूशनरीज की, किस तरीके से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में फैलाया था और किस तरीके से सीक्रेट सोसाइटीज बना के उन्होंने रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी थी। फिर आता है दोस्तों पूरा का पूरा एक युग ऑफ रिवॉल्यूशन। जो कंजर्वेटिव्स थे वो ये चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम वापस से पूरे यूरोप में आ जाए और डेमोक्रेसी ना आए, लेकिन लिबरलिज्म जो थे नेशन स्टेट या लिबरल नेशन के फेवर में थे और इसी फेवर में पूरा का पूरा यूरोप था। कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट पूरे यूरोप ने एकता दिखानी शुरू कर दी, इकट्ठा हो गए पूरे यूरोप के लोग जगह जगह पे और रिजल्ट के रूप में होती है दोस्तों दो क्रांतियां। और इन्हीं दो क्रांतियों से शुरुआत करेंगे हम आज के अपने सेशन की। तो शुरू करते हैं दोस्तों द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848 और आज का हमारा पूरा सेशन इन दो ईयर्स के बीच में होगा। सबसे पहले बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ जुलाई की, द जुलाई रिवोल्यूशन जो फ्रांस में 1830 में हुआ था। इसके तीन रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। पहला ये कि बर्बन किंग्स को दोबारा से उखाड़ फेंका गया। बर्बन डायनेस्टी दोस्तों किंग लुई 16 इसी डायनेस्टी का था, तो पहले भी यही शासन था और बाद में भी इसी का शासन था, लेकिन दोबारा से लिबरल्स ने इसको उखाड़ के फेंक दिया। दूसरा क्या था कि लिबरल्स की डिमांड पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की गई और इसका जो हेड बनाया गया उसको लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? मोनार्की तो होगी, राजशाही तो होगी, राजा का शासन तो होगा, लेकिन वो राजा जो है अपना शासन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से नहीं करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की गई। तीसरा जो इसका रिजल्ट आया वो ये आया कि बेल्जियम नीदरलैंड्स की गुलामी से आज़ाद हो गया। तो ये सब था जुलाई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीस रिवॉल्यूशन की। जब बेल्जियम आज़ाद हो गया 1830 में, उससे पहले ग्रीस में आज़ादी की आग लगनी शुरू हो गई, चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई थी। ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का गुलाम था और ग्रीस 15वीं सदी से ही इस एम्पायर का गुलाम था, अब बहुत हो चुका था और ग्रीस चाहता था कि हमें आज़ादी मिले। और उसकी इस मांग को सपोर्ट मिला वेस्टर्न यूरोप से प्लस बहुत सारे फेमस पोइट और आर्टिस्ट्स ने। अब इसका क्या रिजल्ट रहा? इसका रिजल्ट रहा कॉन्स्टेंटिनोपोल की ट्रीटी। जब ये ट्रीटी हुई 1832 में, तो इस ट्रीटी के मद्देनज़र पूरे के पूरे ग्रीस को मुस्लिम साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल गई। तो रिवॉल्यूशन की ये दो क्रांतियों से दो देश आज़ाद हुए और बहुत कुछ चेंज हुआ। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों आगे बात करते हैं कि जैसे ही रिवॉल्यूशन शुरू होता है लोगों को समझ आता है कि अब सिर्फ और सिर्फ वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से बात नहीं बनेगी। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा उनके कल्चर के लिए, उनके मन में फीलिंग लानी पड़ेगी कि उनका कल्चर कितना महान है। और यहीं से शुरुआत होती है रोमांटिसिज्म की और नेशनल फीलिंग को जगाने की। तो बात करते हैं दोस्तों रोमांटिसिज्म की कि रोमांटिसिज्म आखिर है क्या और किस तरीके से इसने नेशनल फीलिंग को जगाने में हेल्प की। तो सबसे पहले तो दोस्तों रोमांटिसिज्म का बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। एक कल्चरल मूवमेंट होता है रोमांटिसिज्म, जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है दोस्तों, इसमें लोगों को ये एहसास कराया जाता है कि आपका कल्चर बहुत अच्छा है, महान है, प्लीज़ इसको भूले ना। तो दिस इज़ कॉल्ड रोमांटिसिज्म। और जो रोमांटिसिज्म को
बढ़ावा देने वाले पोइट थे, उनका मानना था कि किसी भी देश की जो नींव होनी चाहिए ना, वो नींव कल्चर पे बेस्ड होनी चाहिए। लोगों के मन में बस एक ये भावना जागनी चाहिए कि उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री सबसे महान है। जब ये भावना जागेगी तो देश अपने आप महान बन जाएगा। तो यही रोमांटिसिज्म का मानना था। तो रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया, उन्होंने शुरू किया कि साइंस को ग्लोरीफाई मत करो। क्रिटिसाइज किया उन्होंने साइंस के ग्लोरीफिकेशन का। इंस्टेड उन्होंने कहा कि आपके इमोशंस, आपका इंट्यूशन और आपकी मिस्टिकल फीलिंग्स साइंस के आगे बहुत बड़ी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जैसा मैंने बताया कि कलेक्टिव हेरिटेज होना चाहिए, कॉमन कल्चरल पास्ट होना चाहिए, और ये ही दोनों चीज़ें जो है किसी भी देश की नेशन बिल्डिंग में नींव होनी चाहिए। तो रोमांटिसिज्म को बढ़ावा देने के लिए फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस और वेरियस काइंड ऑफ फोक आर्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों के मन में उनके कल्चर के लिए, उनके लैंग्वेजेस के लिए भावनाएँ जागृत हुई। अब जैसे ही लैंग्वेज के लिए लोगों के मन में भावनाएं जागृत हुई तो पोलैंड में लैंग्वेज को लेके बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। पोलैंड के लोग, जैसे दोस्तों आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, कौन सी ट्रीटी हुई थी, हमने कल बात की थी ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में। 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी तो उसके रिजल्ट में दोस्तों पोलैंड जो है वो रशिया को हैंडओवर कर दिया गया। तो यानी कि अब पोलैंड पे किसका हक है, रशिया का हक है, और रशिया इस पे पूरा हक जमा रहा था। रशिया ने क्या किया, रशिया ने आते ही स्कूल्स और ऑफिस से पोलिश लैंग्वेज को बाहर कर दिया, बैन कर दिया बिल्कुल पोलिश लैंग्वेज को, और पोलिश लैंग्वेज की जगह रशियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाने लगा। इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि जो व्यक्ति रशियन लैंग्वेज बोल सकता था सिर्फ उसी को नौकरी करने की आज़ादी थी, और जो व्यक्ति रशियन लैंग्वेज नहीं बोल सकता था उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे लोग दोस्तों बेरोजगार हो गए, बहुत अनरेस्ट आ गया और लोग परेशान हो गए। इसी परेशानी को देखते हुए 1831 में लोग शुरू करते हैं सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्ड रेबेलियन, रशियन एम्पायर के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन शुरू करते हैं। लेकिन रशियन एम्पायर बहुत ताकतवर था और पोलिश लोग बहुत कमज़ोर थे। रिजल्ट ये रहा, अनफॉर्चुनेटली रशिया जीत गया और पोलैंड को हार का मुंह देखना पड़ा। अब रशिया जीत गया तो पोलिश लोगों को लड़ने के लिए पनिशमेंट तो देता ना, तो पनिशमेंट के तौर पे उसने क्या किया, बिशप्स और प्रिस्ट इन दोनों को जेल में डाल दिया गया और साइबेरिया में भेज दिया गया। और साइबेरिया आपको पता होगा रशिया का सबसे ठंडा जो जगह है वो साइबेरिया है। तो ये पनिशमेंट पोलिश लोगों को दी गई। जिस तरीके से दोस्तों पोलैंड के लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसी तरीके से पूरे यूरोप में हंगर और हार्डशिप का टाइम चल रहा था। ये दौर था दोस्तों 1830 के दशक का। इस दशक में पूरा यूरोप जो था इकोनॉमिक क्राइसिस की जद में आ चुका था। इसके कई सारे रीज़न थे। पहला तो ये कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ही बढ़ गई, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि रूरल एरियाज से सिटी स्लम्स में लोग माइग्रेट करने लगे, लोगों को लगने लगा कि गाँव में हमें कोई काम नहीं मिलेगा, हम लोग शहरों में जाएंगे, तो वहाँ भी उनको कोई काम नहीं मिला। तो तीन रीज़न हमने अभी तक देखे। चौथा रीज़न ये था दोस्तों कि जो इंग्लैंड था वहाँ से सामान पूरे यूरोप में इंपोर्ट किया जाता था। अब इंग्लैंड में मशीन से बना हुआ सामान आता था, जबकि यूरोप के बाकी हिस्सों में मशीनें उतनी डेवलप नहीं थी, तो सामान जो था मोस्टली हाथों से बनाया जाता था। तो जो घरेलू उद्योग थे तो उन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा इंग्लैंड के इंपोर्टेड मशीन से बने हुए सामान का। वो लोग भी नुकसान में जाने लगे जो घरेलू व्यवसाय से जुड़े हुए थे। अमीर लोग बहुत ज़्यादा पावर एंजॉय करने लगे, अमीरों को कोई समस्या नहीं हुई, जबकि जो गरीब थे, दबे कुचले पीजेंट्स लोग, वो बहुत ज़्यादा फ्यूडल बर्डन
कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। पेरिस में तो दोस्तों और भी ज़्यादा बुरा हाल था। 1848 आते आते क्या हुआ, पेरिस में लोग अपना घर बेचने को बाध्य हो गए। पूरा का पूरा पेरिस सड़कों पे आ गया, घुटनों के बल बैठ चुका था पेरिस, और बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई यूरोप के लोगों पे। जब मुसीबतें आती हैं तो लोग क्या शुरू करते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट करते हैं, और यही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला। जब लोगों ने रिवोल्ट शुरू किया तो रिवोल्ट के 3 मेजर रिजल्ट्स निकल कर सामने आए। लुइस फिलिप को राजा बनाया गया था, दोबारा से इसको गद्दी से फेंक दिया। दूसरी बात, लोगों को राइट टू वोट मिला, काम करने का अधिकार मिला कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तीसरा, राइट टू कास्ट देयर वोट्स, जो भी मेल थे, पुरुष मेनली, जो पुरुष थे 21 वर्ष से ऊपर के, उन सभी को हक दिया गया कि आप वोट डाल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड ओनरशिप। तो पहले क्या था कि वही पुरुष जिनके पास जमीन थी उनको वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अब इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि सभी पुरुष, चाहे उनके पास जमीन हो चाहे ना हो, 21 वर्ष से ऊपर हैं तो वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन महिलाओं की बात नहीं की थी, महिलाओं को हक नहीं था। तो अगर बात की जाए दोस्तों महिलाओं की, तो महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए कई वर्षों तक एक्टिवली काम किया। उनको भी अपना वोटिंग राइट चाहिए था, पॉलिटिकल राइट चाहिए था, तो साइड बाय साइड वो भी चल रहा था। अब यूरोप में दोस्तों जब हंगर अपने चरम पर था, जब हार्डशिप अपने चरम पर थी, तो कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। गरीब लोग जब बेचारे बेबस और लाचार थे, तो उसी समय पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने गरीब लोगों को पैसा देने से मना कर दिया, और अगर पैसा भी दिया तो वो भी बहुत कम पैसा दिया। तो जो वीवर्स थे वे सब परेशान हो गए। जब वीवर्स परेशान हो गए, उनको उनके हक का पैसा नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया, और पूरे यूरोप में भुखमरी और हार्डशिप के दौर में रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन होते रहे। एक तरफ भुखमरी और हार्डशिप के दौर चल रहा था, रिवॉल्यूशन चल रहा था, दूसरी तरफ दोस्तों एक और पैरेलल रिवॉल्यूशन चल रहा था लिबरल्स का। ये बात फिर से आती है 1848 की। 1848 में क्या होता है, एजुकेटेड क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, वो एक पैरेलल रिवॉल्यूशन कर रहे थे। उनकी क्या मांग थी, उन्होंने क्या डिमांड थी उनकी, कि मोनार्क सिस्टम, यानी कि जो राजतंत्र है, राजशाही सिस्टम है, उसका खात्मा किया जाए। तो उनका जो रिवॉल्यूशन था उससे ये रिजल्ट सामने आए कि पहले तो कि मोनार्क सिस्टम का खात्मा हुआ कई जगहों पे। उन्होंने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए विद नेशनल यूनिफिकेशन, पूरे देश एक हो, टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, प्लस वो जब पूरा एक देश बन जाए तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। तीसरा इन्होंने क्या मांग की थी, तीसरा इन्होंने डिमांड की थी कि नेशन स्टेट बने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधार पे। तो अब ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के भी उन्होंने 3 मेन प्रिंसिपल बनाए थे, कि पहला तो कि सबसे पहले अगर किसी देश में पार्लियामेंट आए तो प्लस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आए। दूसरा, प्रेस की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, किसी के बोलने पे कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि एसोसिएशन बनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ग्रुप बनाने की आज़ादी, हम जो सोचते हैं वो बोलने की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए, और एसोसिएशन करने की हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। पूरे यूरोप में दोस्तों ये सब डिमांड्स चल रही थी लिबरल्स की, और उधर जर्मनी में क्या हो रहा था, 1848 में ही दोस्तों मिडिल क्लास के कई सारे लोगों ने, जिसमें आपके वर्कर्स भी थे, आर्टिसंस भी थे, जो दबे कुचले लोग थे वो भी थे, सब लोगों ने मिलके क्या किया, 18 मई 1848 को वोट डाल के ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का निर्माण किया। तो अब क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, जिस तरीके से चुनाव होता है उसी के अकॉर्डिंग बनी थी। तो ऑल जर्मन जर्मन नेशनल असेंबली थी, इसमें वोट किसने दिया था? मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लोगों ने। और इसमें इलेक्ट होके भी कौन आए थे? 831 लोग आए थे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे एक लहर आई, उम्मीद की लहर, कि चलो ये लोग अब हमें रिप्रेजेंट करेंगे और ये लोग हमारा भला करेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों में ये फीलिंग आई। अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग में इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उधर जो मोनार्की सिस्टम था, तो प्रशिया का जो राजा था उसने इलेक्टेड असेंबली का विरोध करने के लिए मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। राजाओं का तो ऐसा करना चलो माना जा सकता है, लेकिन ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, पूरे के पूरे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, इन्होंने वर्कर्स और आर्टिसंस और उन सभी लोगों की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया जिन्होंने इनको चुना था। तो धोखेबाज निकले ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन लोगों के मन में आ गया बहुत बड़ा अनरेस्ट। जब ये वर्कर्स, आर्टिसंस और बाकी मिडिल क्लास के लोग अनरेस्ट हो गए, सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, तो इन्होंने जो है इन लोगों पर से अपना भरोसा उठा दिया। सरकार पे भरोसा नहीं रहा, राजाओं ने इसका फायदा उठाया। और जब राजाओं ने इसका फायदा उठाया तो सेना को बुलाया गया, सेना ने इलेक्टेड असेंबली को उखाड़ के फेंक दिया और एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली राजशाही एक बार चरम पे आ गई, एक बार फिर से मोनार्कियल सिस्टम आ गया। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंस था। अब मोनार्की सिस्टम तो आ गया, लेकिन राजाओं को समझ में आ गया कि हम पुराने ढर्रे पर और नहीं चल सकते, बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे जिससे लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, जिससे लोग दोबारा से रिवॉल्यूशन ना करें, रिवोल्ट ना करें, हमारे खिलाफ ना बोले। तो उन्होंने कोशिश की कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए, और वो लेकर आए। अब बात करते हैं मोनार्कीज ने 1848 के बाद क्या चेंजेस किए। तो दो मेन चेंजेस किए दोस्तों, कि सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया। सर्फडम जैसे कि आपका दासत्व, तो अब आप किसी के दास नहीं हैं, आप बंधुआ मजदूर नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकते हैं। मोनार्की सिस्टम में ये बात की गई थी। दूसरा, हब्सबर्ग जो था, वहाँ के शासकों ने हंगरी के लोगों को और भी ज़्यादा आज़ादी देनी शुरू कर दी। मोनार्की सिस्टम में दोस्तों चेंज आना शुरू कर दिया। और इसके बाद शुरू होती है जर्मनी की कहानी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरीके से होता है, ये सब हम देखेंगे दोस्तों कल के चैप्टर में। सो टू बी कंटिन्यूड टुमारो। थैंक्स फॉर योर टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।